नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है फटाफट खबरों का। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां भारत में कोरोना के मामलों की संख्या अब बढ़कर 2,26,770 हो गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,851 नए मामले सामने आए हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हम अपने गृह की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। आइए हम सामूहिक रूप से वनस्पतियों और जीवों को सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो हम वो पृथ्वी से साझा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बेहतर गृह छोड़ सकते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरने और रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच को करार हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए पहले वर्चुअल सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले 7 समझौते हुए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ और गुवाहाटी में 2 नए कमांड मुख्यालय स्थापित करने का आदेश दिया। जहां चंडीगढ़ में मुख्यालय की कमान आईजी रैंक के अधिकारी के पास होगी जो अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर काम करेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1.0 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थलों मॉल रेसंत्रा और होटलों को खोलने की छूट दी गई है। जहां इस बीच छूट से पहले गृह मंत्रालय की ओर से इन सुविधाओं को खोलने के लिए SOP जारी की गई है। केंद्र सरकार ने 3 महीनों के लिए मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया है। जहां इस कदम का उद्देश्य इस दाल की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाना है। गौरतलब है कि इससे पहले इस दाल पर आयात शुल्क 30% था। 2 महीने से ज्यादा चले देशव्यापी लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक 1.0 के तहत देश को फिर से सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रयास जारी है। जहां इसी सिलसिले में कर्नाटक सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते अब रात्रि पूर्णबंदी के दौरान बस और कैब के संचालन की इजाजत दे दी है। किसानों के लिए फसल ऋण पर ब्याज में 2% की छूट और त्वरित भुगतान पर 3% का प्रोत्साहन 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों के पक्ष में ये फैसला लिया है। यात्रियों के लिए 230 ट्रेनें शुरू करने के बाद अब कॉरपोरेट ट्रेनें तेजस एक्सप्रेस और एक एक्सप्रेस को फिर से शुरू करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक IRCTC इन तीनों ट्रेनों के लिए स्केड्यूल तैयार करने में लगा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए SOP जारी कर कहा कि कोरोना के असर वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र के कोरोना मुक्त होने तक घर से काम करने की अनुमति दी जाएगी और इस अवधि को अवकाश में नहीं गिना जाएगा। खबरों की माने तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 तक किसी भी नई योजना पर रोक लगा दी है। यानी मोदी सरकार का कोई भी विभाग इस दौरान नई योजना लेकर नहीं आ सकेगा। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई योजनाएं जारी रहेंगी। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने राज्य में कोरोना के हालातों की समीक्षा की। जहां इस दौरान उन्होंने होम और संस्थागत क्वारंटाइन में संख्या घटने के बावजूद अधिकारियों को सजग रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से निपटने की मुहिम में जरूरी स्वास्थ्य उपकरण मंगाने के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने अपना सरकारी विमान स्वास्थ्य विभाग के सुपुर्द कर दिया है। जहां ये विमान 9 जून को ट्रूनेट मशीनों की एक खेप लेने गोवा जाएगा। पंजाब सरकार ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों की फीस में वाजिब वृद्धि की है। जहां ये बात राज्य के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने कही। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई फीस नए सेशन से लागू होगी और पहले से ही चिकित्सा शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों पर इस फीस वृद्धि का कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सरकार को एक बार फिर कोरोना से निपटने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बेशक CM राजनीतिक कारणों से विपक्ष के नेताओं से मिलना गवारा नहीं समझ रहे, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते कांग्रेस सरकार को कोरोना से मुकाबला करने के लिए अपना सहयोग देती रहेगी। कोरोना झारखंड में भी अपने पैर तेजी से फैला रहा है। जहां राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 827 हो गई है।
हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से आवागमन के लिए अंतर्राज्यीय नीति बनाने में लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रमुख होगी और इसकी किसी तरह से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गौरतलब है कि तीनों राज्यों के बॉर्डर पर सख्ती से पैदा हालात के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों से एक समान नीति बनाने को कहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य के सत्ताधारी टीएमसी और शिक्षा को घेरते हुए कहा कि यद्यपि राज्य में शिक्षा क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की गई लेकिन उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। शिक्षा केंद्र विभाग को पैसा भेज रहा है, पैसा खर्च करने में सक्षम नहीं होने के कारण फंड वापस चला जा रहा है। गुजरात में कांग्रेस के दो विधायकों के इस्तीफे के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने भी एनसीपी से इतर राज्य में विधानसभा उपचुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि वाघेला के समर्थन में एनसीपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबल दास पटेल ने पार्टी अध्यक्ष शरद पवार को इस्तीफा भेज दिया है। कोरोना समस्या के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, पर अब माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 12वीं की ये परीक्षाएं 9 जून से आयोजित करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसके लिए बोर्ड ने नई एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट।